हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल सुपर आइडिया। सुपर आइडियाज में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, काफी कमेंट्स आ रहे हैं कि अगर उत्तराखंड में आप जा रहे हैं तो क्या गाइडलाइंस हैं, या आप उत्तराखंड में एज ए टूरिस्ट पर्पस जा रहे हैं या किसी भी पर्पस से जा रहे हैं तो क्या गाइडलाइंस हैं जो आपको फॉलो करनी होगी अगर आप किसी भी राज्य से उत्तराखंड जा रहे हैं। तो क्या आपको टेस्ट रिपोर्ट चाहिए या ई पास चाहिए या दोनों चाहिए, ये सारी डाउट्स आपके इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। तो इससे पहले, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे वीडियो अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो दोस्तों, आप ये जो नई गाइडलाइंस आई उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर 9। तो बाहरी राज्यों से उत्तराखंड राज्य में आने वाले सभी व्यक्तियों को अधिकतम 72 घंटे पूर्व की RT-PCR नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट के साथ ही राज्य में प्रवेश की अनुमति प्रदान की जाएगी। तो अगर आप किसी भी राज्य से आ रहे हैं, उत्तराखंड में आप आ रहे हैं, चाहे आप दिल्ली से आए, चाहे महाराष्ट्र से आए, चाहे राजस्थान से आए, चाहे पंजाब से आए, चाहे कर्नाटक महाराष्ट्र कहीं से भी आए, अगर कहीं से भी आप आ रहे हैं उत्तराखंड में, तो आपको 72 घंटे के पहले की RT-PCR नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट है वो चाहिएगी, उसके साथ ही आप राज्य में प्रवेश की अनुमति आपको दी जाएगी। इसके अलावा बाहरी राज्यों से उत्तराखंड राज्य में आने वाली सभी व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से स्मार्ट सिटी के वेब पोर्टल STTP, ये आप देख सकते हैं smartcitydehradun.uk.gov.in, इस पर आपको पंजीकरण किया जाना होगा और सभी व्यक्तियों द्वारा राज्य में प्रवेश के उपरांत MHA, MOH एंड FW, GOI एंड स्टेट गवर्नमेंट द्वारा जारी SOP का भी पालन किया जाना होगा। तो जब आप आते हैं, आपको 72 घंटे पहले की RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट के साथ साथ आपको स्मार्ट सिटी के वेब पोर्टल पर जाना है और आपको ई पास बनाना है। ई पास कैसे बनाना है, वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में दे दूंगी। चैनल पर भी आप सर्च कर सकते हैं सुपर आइडियाज स्पेस उत्तराखंड ई पास करके आप सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा, या उत्तराखंड की प्लेलिस्ट में आप जा सकते हैं। तो वहां पे आपको पता चलेगा कि कैसे आपको ई पास बनाना है। तो ई पास प्लस रिपोर्ट आपको दोनों ही लेकर आनी है, चाहे आप अपने प्राइवेट व्हीकल से आए, चाहे आप मतलब किसी भी तरीके से आ रहे हैं, बाई फ्लाइट आ रहे हैं या बाई ट्रेन आ रहे हैं, किसी भी मोड ऑफ ट्रैवल से आप आ रहे हैं, तो 72 घंटे की टेस्ट रिपोर्ट प्लस ई पास दोनों ही जरूरी हैं। चाहे आप किसी भी पर्पज से आए, टूरिस्ट पर्पज से या फिर शादी के पर्पज से, एग्जाम है, फैमिली से मिलने आ रहे हैं या अस्थि विसर्जन के लिए जा रहे हैं, कोई भी पर्पज हो, गाइडलाइंस जो है वो आपकी सेम रहेंगी। इसके अलावा भी किसी का कोई डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, उस पर भी मैं जल्दी आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।